हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई हमारी गाड़ी में, हर किसी की गाड़ी में, एक पुरानी गाड़ी में जो सबसे कॉमन दिक्कत होती है वो होती है एसी की। हाँ भाई, दिल्ली में जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करता है ना, तो आपको ऐसे गाड़ी कैसे भी नहीं चला सकते शीशे खोल के विदाउट एसी। तो भाई फाइनली आज हमने अपना गाड़ी का एसी का काम कराने का मूड बना लिया, बहुत तगड़े वाला और बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि भाई ये पूरा डैशबोर्ड खुलेगा, मतलब देखने को मिलेगा कि इस डैशबोर्ड के पीछे क्या होता है। तो फाइनली भाई आज इसका पूरा एसी चेकअप होगा, इसकी कूलिंग कॉइल वगैरह चेक की जाएगी अच्छे से एकदम, और पता चलेगा कि भाई इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है। क्योंकि भाई हमने गैस देखो अभी कुछ दिन पहले टॉप अप कराई थी, आप लोगों ने वीडियोज़ में पहले भी देख लिया होगा, बट आज इस गाड़ी के अंदर होगा प्रॉपर एसी का काम। मतलब जैसे हमने अपनी स्विफ्ट में कराया ना, एकदम ऐसे पूरा डैशबोर्ड आइटन वाइटन में कराया था, सेंट्रो में भी हमने करा रखा था, तो आज पूरा वैसा वाला काम कराएंगे। और आज हम इसे कराएंगे भाई गो मैकेनिक से, क्योंकि भाई टाटा वालों ने देखो बहुत ज़्यादा एस्टिमेट दिया था, ठीक है, गो मैकेनिक वालों का ज़्यादा एस्टिमेट नहीं आ रहा, और आफ्टर मार्केट ना थोड़ा सा मन नहीं था, क्योंकि भाई ये पूरा डैशबोर्ड खुलेगा। भाई मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि मतलब इसका जब डैशबोर्ड खुलेगा तो कैसा लगेगा। तो भाई आ चुका हूँ मैं साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे किसी ने मेरे को रिकमेंड करा था हमारे एक ब्रदर ने कि भाई ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पे उनकी गाड़ी का, मतलब गाड़ी का, उन्होंने अपनी गाड़ी का काम करवाया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं यहीं पर ही अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ, और दिखाते हैं भाई, चलते हैं सीधा और आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं आज गाड़ी का कैसा रहता है। बने रहिए वीडियो में एंड तक, और आप देखेंगे पूरा प्रोसेस टाटा नैनो ट्विस्ट का। और भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, टाटा लवर्स तो वैसे भी दुनिया में बहुत है, कम से कम यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, तो भाई कर देना यार। फाइनली अपन गो मैकेनिक के जो ऑफिस था ये हमें मिल चुका है और यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चलो अब अपनी गाड़ी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे खड़ी होगी अपनी टाटा नैनो, यहाँ इनका ऑफिस है, अभी चल के बात करते हैं। वो गाड़ी तो बंद कर दूँ गाड़ी। तो भाई देख लो पूरा प्रॉपर वर्कशॉप बना हुआ है और अपनी टाटा नैनो का चेक। तो भाई फाइनली अब अपने साथ हुआ क्या है गो मैकेनिक से, तो भाई हम आ गए थे वापस। भाई गो मैकेनिक वालों का ये कहना था कि भाई हम तो ना पूरा कंपार्टमेंट ही चेंज करेंगे, मतलब गाड़ी का कंप्रेसर ख़राब है तो कंडेंसर भी बदलेंगे और उसके बाद आपका ये कूलिंग कॉइल भी बदलेंगे। अब मैंने कहा भाई ये कौन सी तुक बन रही है, ये कौन सी सेंस है कि पार्ट एक ख़राब हुआ है बदलोगे तुम सारे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना इतिहास गिनवा दिया भाई। मगर एक बात बता दूँ, गो मैकेनिक पे विश्वास करके भाई बिल्कुल मत जाना, इस कंपनी का भी पता नहीं, कुछ कह रहे हैं कि कंपनी बंद हो गई है या क्या हो गई है, भगवान ही मालिक है भाई। तो भाई बिल्कुल भी इनके रेट देख के ना बिल्कुल भी जाने की गलती बिल्कुल मत करना भाई, क्योंकि अगर आप लोग चले जाओगे ना वहाँ जाके आपको सारी चीज़ें गिनवा देंगे, ऑनलाइन दिखाएगा 15,000 रुपये का, वहाँ जाके आपका 30,000 का बिल बना देंगे, और उसके बाद आपको इतनी तपती गर्मी में गुस्सा भी आएगा और परेशान भी होगे। तो भाई बिल्कुल मत जाना गो मैकेनिक वालों पे विश्वास करके, साले ये आए भी इन्हें गाड़ी भी मत देना भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी देखते हैं भाई क्या कराएंगे हम अपनी गाड़ी का एसी, तो देखो भाई बिल्कुल भी नहीं चल रहा, शीशे वीशे सब खोल रखे हैं गाड़ी के, और अभी जा रहे हैं देखो भाई। चलो भाई फाइनली अब एक और जगह आए हैं, यहाँ पे भैया को दिखा रहे हैं, देख लो भाई इतनी बार इंजन देखने को मिल जाएगा आपका, तो इसके बाद यहाँ सोचो इंजन इतना पीछे है, कंप्रेसर तो पता नहीं कहाँ बैठ कहाँ ही फिट कर रखा है, भगवान जाने कैसे निकलेगा। फिट कर देना, का पाना देना, सीट खुलेगी। चलो भाई इसका जो कंप्रेसर है ना वो यहाँ कहीं से निकलेगा, अब बड़ी दिक्कत वाला मामला है भाई ये तो। चलो मेरी में तो क्या डिग्गी खुल रही है, जिनकी डिग्गियाँ नहीं खुलती भाई उनका सोचो क्या हाल होता होगा, कदम से मैकेनिक भी बेचारा क्या करेगा, मना ही करेगा कि भाई ले जाए इसे। पर चलो देखते हैं भाई, टच वुड अगर अपनी गाड़ी रिपेयर होके सही हो जाती है ना तो बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि भाई खर्चा ना गो मैकेनिक वालों ने तो देखो 35,000 रुपये बता दिए थे गो मैकेनिक वाले, तो भाई कसम से बता रहा हूँ चूती हैं, बिल्कुल मत जाना भाई गो मैकेनिक वालों को। गो मैकेनिक का तो इतना बुरा हाल है, सालों पे कोई ना तो काम ना कुछ, और फिर गाड़ी देख के ऐसे उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं यार, कोई इतना भी पागल नहीं है भाई आज के टाइम में कस्टमर गो मैकेनिक वालों को ना ये चीज़ समझनी चाहिए। तो चलो भाई अभी इसका फटाफट से कंप्रेसर खुलता है, फिर आपको उसका कंप्रेसर दिखाते हैं कि कितना छोटा सा है या कैसा है कैसा नहीं है। देख लो भाई वहाँ कहीं नीचे जाके इसका कंप्रेसर फिट है, देख लो कहाँ पे वो, देखो ये रहा भाई साहब देख रहे हो,
ऐसी ऐसी जगह फिट है भाई, ये देखो ये रहा। और भाई देख लो, मैं फिर एक बार बताऊँ, ये 8 साल में पहली बार ही हो रहा है, हमने 8 साल में कभी ऐसा इसका कोई काम भी नहीं करवाया, एक साथ ही सारी दिक्कतें देने लग गई है। ये जब हम इसको सोच रहे हैं ना मॉडिफाई करते हैं या कुछ उसमें करते हैं, तो उसमें सारी दिक्कतें चालू हो गई हैं। चलो भाई, हमारे को भैया ने सही चीज़ सजेस्ट करी है, पहले तो देखो अभी चेक होगा। तो लो भाई, दुनिया जहान का सारा काम दिखाने के बाद आज इस नैनो की सीट भी खुलती भी देख लो भाई। देखो जो हमारी नैनो है ना, इसका इंजन का कोई काम होता है वो डिग्गी में से तो चलो हो जाता है, डिग्गी में सिर्फ इसका इंजन का काम होता है, पर अगर देखो कंप्रेसर की कोई दिक्कत आती है ना, उसके लिए पूरी सीट निकलती है, देख लो भाई। और ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये यहाँ पे होता है या फिर कंपनी में वो नीचे से निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पूरा ही खुलता है इसके अंदर। और अभी देखो आज आपको फाइनली इसकी सीट खुलते हुए दिखाएंगे भाई, 8 साल में पहली बार खुल रही है, आज तक हमने इसका ऐसा कोई काम लो भाई। फाइनली अभी अपना सारा जो चीज़ें हैं डिसाइड हो चुकी है भाई, मैं आपको एंड में बताऊँगा कंप्रेसर कितने का मिला है और कैसा डलवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको एंड में बताएंगे। पर फिलहाल अभी आप देख लो, यहाँ पे खुलने का प्रोसेस इसका चालू हो चुका है। और भाई वो देखो, वो रहा, ये है कंप्रेसर। और भाई कसम से यार, नैनो के अंदर तो भाई बना तो दी थी बढ़िया, पर अब साला इसके अंदर देख लो काम करने में कितनी दिक्कतें होती है, तो कहाँ कहाँ से क्या क्या खुलना पड़ रहा है। और भाई बिल्कुल नहीं चल रहा था यार, इसके एसी ने ना खून पी लिया था। और एक चीज़ और बता दूँ भाई, जिससे हमने पहले काम करवाया है ना, जिसकी वीडियो भी आपने हाल फिलहाल में देखी होगी, जिसने गैस डाली थी भाई, उसने ना कंप्रेसर ऑयल होता है वो नहीं डाला था, उसकी वजह से ये रगड़ गया। तो भाई देख लो कितने रुपए का वो होगा और कितने रुपए का खर्चा था, और देखो कितने रुपए का ही खर्चा अब आगे बन गया, वो चीज़ हम आपको एंड में बताएंगे। और लो भाई इधर देख लो, ये सीट से की सीट का ये निकल गया है, और बिल्कुल भाई प्रॉपर तरीके से ऐसे करके से फिट भी करा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा हमारे को कि हमने खुलवाया अभी का। और यहाँ चेकआउट कर लो, देखो भाई नैनो को दुनिया ने बना रखा था हवाबाजी, साला एक मारुति की गाड़ी के ना खर्चे सस्ते हैं, इसके आज भी महंगे ही हैं। हवाबाजी वाली बातें थी कि भाई इसके कोई खर्चे नहीं है, किफ़ायत गाड़ी है, ये है वो है, पर भाई मारुति से बढ़िया कुछ नहीं है भाई, देख लिया। ये देख लो, ये तो देखो इसे खोलने में पूरा मज़ा आने वाला है। चलो खुलता है तो आपको कंप्रेसर की हालत दिखाते हैं, नया आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। अभी मेन क्या है, नया इसलिए नहीं आया भाई क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा ना, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि लाना कौन सा वाला, तो इससे मैच करके पार्ट एकदम कंपनी का जो निकलेगा वो ही लगवाएंगे। ओ भाई साहब, ये कांच पांच भी निकल गया भाई अपनी गाड़ी में तो। अरे ये कौन सा कांच पड़ा हुआ है इसमें भाई साहब? ओ भाई देख रहे हो भाई, हमारी गाड़ियाँ वैसे कितनी साफ रहती हैं, और आज देख लो मिट्टियाँ भी निकल रही हैं। ये दोनों भाई मिलके गाड़ी में लगे हुए हैं हमारी। और ये देखो भाई अंदर देख रहे हो, वो देखो कहाँ पे जाके कोई सा नट लगा हुआ है। और ये देखो भाई इसका ना यहाँ से भी एक छेद हटाया है, थोड़ा सा यहाँ से देखने को मिलेगा और थोड़ा वहाँ से। और देख लो भाई कितनी बुरी कंडीशनों में, मतलब एक बार बताओ यार, कंपनी वालों में देता ना मेरे ख्याल तो वो पूरा इंजन ही उतारते, इंजन उतारने के बाद ही शायद इसे निकालते, क्योंकि कंपनी वाले भाई इतना टाइम नहीं लगा सकते, वरना तो एक ही दिन उनका पूरा गाड़ी में लग जाएगा। तो लो भाई इधर से देख लो, यहाँ से निकल रहा है इसका, देख लो भाई देख लो। दुनिया की गाड़ियों का आगे से निकलता है, मगर ये फरारी है ना तो इसका पीछे से निकलता है। फरारी से भी बढ़ गए हैं, फरारी में भी बहुत जगह होती है, पर इसमें क्या है कि पहली गाड़ी है। वो देखो वो रहा। ये देखो भाई साहब, इन चूतियों ने मेरी ज़िंदगी आराम कर रखी है, परसों रात से नींद नहीं आई थी चूते के चक्कर में भाई, देख लो। और अभी देखो आज ये काम करा रहा हूँ ना, कल बारिश दिखा रहा है, आज ये निकल रहा है कल बारिश दिखा रहा है, कल से बारिश चालू है। देखो भाई ये रहा, ऊपर से भी आ जाएगा, कहीं से भी निकल रहा है। देखो भाई ये रहा, ये देखो भाई बच्चा पैदा हो गया, मैं ऊपर से निकाल दूंगा। चलो टायर निकाल लो उसका। ये देखो भाई सूखा चल गया है। देखो भाई ये है नैनो का कंप्रेसर, इसी में आवाज है, सूखा है ना। देखो भाई इसकी आवाज़ सुना ना भैया, देख रहे हो भाई, अब ये ही जब 100 की स्पीड पे चलती है ना तो ये पूरी आवाज़ करती है।
देख लो भाई, फाइनली इतनी मुशक्कतों के बाद यहाँ से निकला है इसका कंप्रेसर। ये लो भाई, ये रहा पूरा गया भाई, पूरा गया। देखो ना, कैसे चेक होता है भाई बताना। इसमें प्रेशर बनता है। अच्छा, ये प्रेशर वैसे कुछ नहीं बना रहा। अच्छा, खराब है। लो भाई लगे आज फाइनली ना, इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही थी। एक तो इस गाड़ी का ना इंडिकेटर लेफ्ट का देने पे ना ये साली अंदर की पार्किंग लाइट ब्लिंक कर रही थी, तो अभी इसका चेक करवाया। इसके बल्ब भी शायद थोड़े से फ्यूज पड़े हुए हैं। देखो भाई पूरी गली पड़ी है यार, पूरी ये निकला हुआ इसका बल्ब। देखो ये टोपा था, अभी भैया ले कर आया, देखो दूसरा बल्ब पता चलेगा ख़राब है या सही है। तो भाई सब सारी चीज़ें हो रही है, ये पड़ी लकड़ी भी ले लेते करो। चलो भाई फाइनली इसके अंदर भैया बता रहे हैं, ये जो सॉकेट देख रहे हो ये लटका हुआ है, ये रहा भैया कह रहे हैं यार ये ख़राब है, 150 रुपये का ये सॉकेट है। कह रहे हैं बल्ब तो बल्ब फ्री वाला बल्ब अपना ठीक ही होगा। तो लो भाई फाइनली यहाँ पे भैया ने जो भी चेंज कर रहे हैं सॉकेट, होल्डर वोल्डर में हो सकता है दिक्कत आ रही है इसके, अभी ये लगा के देख रहे हैं। देख रहे हो भाई ये ज़रा ज़रा से आंड पलांड खर्चे होते हैं ना। ये देखो किसी की हमारी रबड़ निकाल ली थी, अभी रबड़ भी कहीं से नहीं मिल रही, यहाँ से चला रहे हैं। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा गर्मी में। ये वाली तो भैया ने कर दी सही। देखो भाई ये होल्डर ख़राब हो गया था, तो इसकी वजह से ना अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट थी वो ढंग से काम नहीं कर रही थी। और भाई ये देखो, ये भी मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भी मेरे को अंदाजे से ही पता चला था जब उस दिन गाड़ी चला रहे थे, तो आगे गाड़ी में शेडो पड़ा कि भाई इसकी हेडलाइट नहीं जल रही, तब पता चली। वरना देख लो भाई इसमें से धुआं निकल गया था उस दिन, देखो देख रहे हो जला पड़ा। अब देखो दूसरा वाला भी खोल दिया, ठीक है। हाँ चलो भाई उधर का तो सही था, वही मिट्टी विट्टी आ गई होगी है, कपड़ा ढीला भीला हो गया वो ना इस वजह से। अच्छा अच्छा, तो लो भाई हमारे भाई ने भाई हमारा ये काम भी करवा दिया, टेंशन खत्म हुई का। भाई देखो टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें कराते रहोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा, पर ये ना ये गांड मारती है। भाई देखो मैं एक बात बता दूँ, हकीकत में हम अपनी गाड़ियों में कोई भी चीज़ डिले नहीं करते हैं, हम खाना पीना छोड़ देते हैं, पर कब भी देख लो चलो। तो भाई फाइनली इधर का भी हो गया उधर का भी हो गया, लगे हाथ एक बस उड़ गया और खत्म हो, और लगे हाथ अपनी कूलिंग कॉइल भी आ गई है, आ गई कूलिंग वो कंप्रेसर। लो भाई देख लो नया कंप्रेसर नैनो का, बॉक्स वॉक्स इसका भी दिखाना। ये देखो भाई इसमें आया था ये बॉक्स में, देखो भाई ऐसे करके आया था, ठीक है। ये देखो भाई, देख लो भाई चेकआउट कर लो भाई, बिल्कुल देख लो अभी जो गया था बिल्कुल वैसा ही भैया ने लेकर आए हैं, और अब ये डलेगा भाई अपनी गाड़ी में। तो भाई अब देख लो ऐसे ऐसे करके आती है सारी। चलो भाई फाइनली यहाँ पे अब होगी इसकी प्लेसमेंट चालू, और फिर से एक बारी वही वाली मेहनत जिससे निकाला था और जैसे वो रखा भैया आगे, फिर से एक बारी भैया वही मेहनत करेंगे अब अपनी दोबारा से, और फिर ये लगेगा यहाँ पे से, और देखो पूरा हाथ। लो भाई चेकआउट कर लो, फाइनली इसकी लाइटें भी सब ओके रिपोर्ट में जल रही हैं, बैक टू वर्क। जिस काम के लिए मेन आया है भाई अब वो करवा लेते हैं, क्योंकि भाई अब इसका ना मेन प्रोसेस अब इसका चालू होगा, और अब इसके अंदर चालू होगा इसका कंप्रेसर डलना, अब डलेगा भाई अपनी नैनो का कंप्रेसर। तो भाई फाइनली भैया ने इसके अंदर एक लीकेज और चेक करी थी, कोई रिंग है वो देखो, अभी वो वाली रिंग मैच कर रहे हैं, दिखाना भैया कौन सी रिंग है। ये देखो भाई
इसकी वजह से लीक हो रही है गैस। बताओ भाई, ये देख रहे हो घाटल घाटल सी चीज़ों के चक्कर में कितना परेशान होना पड़ता है। यूनियत देखो भाई, ये रहा पुराना कंप्रेसर, देखो देखो भाई, देख लो क्या हालत हो रखी है। कोई नहीं भाई, देखो 8 साल पुराना कंप्रेसर, इसको अंदर देख लो, ये डस्ट जो आ रखी है मेरे ख्याल इसलिए आ रखी है, भाई सूखा चल गया, हल्की हल्की सी मिट्टी से तो गिरा होगा ना, अभी खोलते समय गिर गया। अच्छा, मतलब इसके अंदर ऑयल होता, अगर इसके अंदर ऑयल होता है खुलते वो ऑयल भी टपकता और वो सब कुछ टपका ही। देखो लापरवाही का नतीजा, लग गए ना 10-12 हज़ार रुपये। बस भाई तुम्हें कुछ काम नहीं आता है यार, इससे बढ़िया तो मैं कहीं और ही करा लेता यार, क्या बताऊँ भाई। ये वही दुकान है मीना बाज़ार वाली, वसीम भाई हमारे बढ़िया बंदे, एकदम बढ़िया चीज़ की माँ मैंने कर दी, देख लो भाई। और अभी वो किसी तरह की कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, हाँ हमने नहीं डाला था या कुछ ऐसा सवाल ही नहीं उठता। फाइनली अंदर एंटर हो रहा अपना कंप्रेसर गिरा, सीधा वहीं से वहीं सीधा अंदर। लो भाई फाइनली आज एसी की जो जान होती है ना भाई, देखो आज एसी की जान डल रही है, तो सोचो जब एसी में आत्मा नहीं डल जाएगी, समझ रहे हो, रूह का पा देगी फिर ये। ऐसे ही ज़्यादा हो गया भाई, है तो टाटा नैनो एसी, तो देखो भाई इसका बड़ा जानदार है, पर आज देखते हैं लगने के बाद इसका क्या रिव्यू रहता है भाई। देखो बिल्कुल जेन्युइन वाला देंगे, क्योंकि पिछली बार देखो जब उस बंदे ने करवाया था, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई मुझे मज़ा नहीं आया, बट उसे क्या था कि नहीं भाई आ रहा है, आपको लग रहा है ये है फलाना ढिमकाना है। भाई देखो एसी में हम भी बैठे, हमें भी पता है यार, तो देखो बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देंगे भाई। और देखो दोनों दुकानें आपके पास हैं ऑप्शन में, काम आपने सारा देख लिया है, मर्ज़ी आपकी है, देख लो कहाँ से आपका कराने का दिल करता है वो आपके ऊपर है। आपका मन करे आप बेकार काम करा सकते हो सस्ते वाला, आपका मन करे बढ़िया काम करवा सकते हो सस्ते में, थोड़ा सा तो महंगा हो गई भाई, देखो क्वालिटी वर्क के ना पैसे होते हैं, तो ये वही चीज़ समझ लो, क्वालिटी वर्क देख लो भाई कैसे होता है। देखो भाई ये दूसरा अपना करो भाई, फाइनली अपनी स्टेज पे पहुंच गया कंप्रेसर, जहां उसे फाइनली सेट होना है। वो देखो भाई ये रहा कंप्रेसर, तो लो भाई फाइनली, तो यहां से ये डलने के बाद अभी पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, करने देते हैं भाई भाइयों को भी आराम से यार, गर्मी ना, एक तो गर्मी इतनी हो रही है, 36-35 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, और उसमें ये काम। नाम हर्ष। हाँ जी भैया है, तो लो भाई यार 300 पे स्टैंड कर दूंगा मैं। अच्छा, अगर डाउन जाएगी तो लीकेज है, डाउन नहीं जाएगी तो फिर 300 पे ला के स्टॉप करोगे। हाँ। अच्छा, अभी धीरे धीरे जा रहा है ये ऊपर। हाँ। देखो भाई जा रहा है धीरे धीरे जा रहा है, तो भैया कह रहे इसे 300 पे ला के स्टॉप करेंगे, अगर ये नीचे जाता है तो इसका मतलब लीकेज है, और अगर नहीं जाता तो इसका मतलब लीकेज नहीं है। दुआ करते हैं भाई ये ना ही जाए, अगर ये नीचे गया ना तो इसके बाद तो ये खड़ी करेंगे बस, और कुछ नहीं हो सकता इसका। हाँ जी, क्या हुआ? क्या बताऊँ यार, अब वो उधर ग्रेटर नोएडा से काम आ रखा है ना, अब वो रूबल भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा चलोगे तो अभी बताओ, फिर उसको हाँ कर देता हूँ, अभी निपटाया आऊँगा, आ जाए एफ एल वाला भी काम रह गया। उधर से वो सेलर फ़ोन कर रहा है कि भाई साहब आपका क्या चल रहा है, ये है वो है, मैंने उसी का बोल दिया, मैं कहा भाई जो अरे वो ATS और वो जमा करके आना है ना उसका फोर क्लोजर लेटर। हाँ, तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा भैया आज तो जा नहीं पाया, फिर शुरू हो गया कि आपसे काम नहीं हो रहे, आप डिले कर रहे हो, मेरी किस्त आ जाएगी, फिर से एक और किस्त कट जाएगी, ये है वो है। मैं कहा भैया ऐसे बात हो गई है, मेरी गाड़ी का तो छोड़ गया। कह रहा ओहो अच्छा सॉरी, कह रहा चलो बाद में फ़ोन कर रहा हूँ, मैं इरीटेट कर रहा है, मैंने कहा बहन की आप तेरी। हाँ नहीं तो और क्या यार, एक बंदा बोल रहा है कुछ काम में यार, की मंटम साला। हाँ फिर उसे मने, अभी तो यहाँ पे लगेगा यार 1.5 घंटा और शायद लग जाएगा। हाँ ना, इसमें पानी है, फूड पानी है,
कुछ हल्का तो है नहीं, उसे हल्का सा ना रिपेयर करा बस। अब मैंने उनसे एक शर्त रखी है, मैंने कहा भैया देखो मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, आप मेरी बस एक बात मान लो कि मैं आपको भी हाफ पेमेंट करूँगा, हाफ पेमेंट आपको 10 दिन बाद करूँगा जब मेरी तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा भाई देखो मैं रिस्क नहीं ले सकता ना। फिर उसके बाद मैंने कह दिया मैं अपनी आईडी वाईडी आपको सब चीज़ें दे के जा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज डालूँगा, इतना बैलेंस है, इतना मैंने पे कर दिया है। मैं कहा तो ऐसे कर लेंगे मतलब, अरे आईडी तो आईडी के आधार कार्ड होता है और क्या होता है। हाँ वरना तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था यार कराने का, मैं तो सोचा ही नहीं था कि आज कराऊँगा। मेरा तो यही था, चार्जर वाले का भी फोन भी रखा है, क्या टाइम हो गया? अब यार 6:30 लग गए। उसने मना, उनने कहा था 5:30 बजे तक बंद हो जाएगा। अरे यार वो भी वो कह रहा है, बिहारी मेरे से कह रहा जो चार्जर लेके आने वाला था वो ही हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं कहा वाह, मैं कहा आपका स्टाफ तो बहुत बढ़िया है। मैं कहा भैया ऐसे मत करो यार, मैं कहा 1 महीने से भी ऊपर हम कहीं भी जाए ना हर बंदे को खुश करके ही आए। अब साला सिचुएशन ऐसी हो रही है कि यार हम भी तो बेखुशी से ही करवा रहे हैं, हम भी तो तुम्हारी चीज़ें समझ रहे हैं, तुम भी समझो हमारी चीज़ें यार। तो भाई यहाँ पे फाइनली आपने देख ही लिया कि वो पीछे बीच की जो मशीनरी थी ना वो हमने चेंज करवा लिया है। भाई देखो उसका सीन बताता हूँ क्या था, पार्ट्स आप कहीं से भी लो अगर आप शोरूम में नहीं करा रहे ना। अब देखो मैं आपको 2 चीज़ों बताता हूँ कि अगर आप ये चीज़ शोरूम में करा रहे होते तो वो पीछे से क्या कर देते, आपको पता भी नहीं लगने देते ये चीज़। क्योंकि देखो काम ही ऐसी जगह का है, वो सीधा आपको बिल दे देते और बिल दे के आपको जयराम जी की कर देते। या फिर देखो मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता उनका दिल बड़ा होता, क्या पता आपस में भसड़ भसड़ होकर वो नया पार्ट डाल भी देते। पर कोई बात नहीं, देखो भाई अभी हमने भैया से ना एग्री कर लिया है, भैया को हमने हाँ करवा लिया है कि भैया इसको ही देखो, इस कंप्रेसर की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, पर भैया ने हमारे को 3 महीने की ना इसकी तब भी दे दी है। भैया ने कह दिया है कि आप 3 महीने की हमसे ले लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आएगी तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। तो भाई हमने उस चीज़ के लिए भैया को एग्री कर लिया है कि चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, किसी का लॉस भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई वो देखो वो जो सिंगल पार्ट है ना कंप्रेसर, इसका 8,000 रुपये का यार, मतलब 8,000 रुपये यार बहुत होते हैं, तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमने भी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट रखी है, भैया ने भी उस चीज़ पे एग्री कर दिया है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर सारी चीज़ें जब एग्री होती हैं तो थोड़ा सा मैनेज कर ही सकते हैं। बट ये है कि भाई देखो अगले 3 दिन तक 4 दिन तक ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त चलने वाली है और हमारा ट्रिप भी लगने वाला है। अब तो कन्फर्म है कि भाई हमारा ट्रिप लगेगा, क्योंकि अभी तक तो बजट ही नहीं था। पर कोई बात नहीं, गुलशन भाई जिंदाबाद, क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद भाई, क्रेडिट कार्ड बहुत है अभी भैया के पास, तो उनसे ही कह के फिर से ट्रिप स्पॉन्सर करवाएंगे। और भाई फिर से अपनी नैनो एक बार, पहली बार 8 साल में पहली बार ऐसा होगा हमारी जो नैनो है वो पहाड़ों में जाएगी, और फिर देखेंगे क्या फाइनली। यहाँ पे 6:30 बज चुके हैं और भैया ने नीचे लाइट जला ली है, और अब भैया लाइट जला के काम कर रहे हैं, तो करने देते हैं भाई, जैसे भी वो करना चाह रहे हैं वैसे करने देते हैं, हमारे पास वेट के अलावा कोई और टाइम नहीं है। भाई देखो मैं आज आपको ना एक सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, अपनी आंखों के सामने काम कराओगे ना, अपनी आंखों के सामने, तो यही बेनिफिट होता है। और अगर आप अपनी आंखों के सामने नहीं कराते, ये हो कोई हो कंपनी वाला हो, भाई हर कोई बंदा जुगाड़ करके देता है, ये बात मेरी मान लो, मान लोगे तो फ़ायदे में रहोगे भाई। सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ, जो आजकल ये पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विसें चल रही है ना भाई, उन पर कम भरोसा करो, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। बाकी भाई देखो किस्मत है अपनी अपनी, देखो गलती ना इनकी भाई, गलती मेरी भी नहीं थी, मगर अपनी आंखों के सामने कराओगे ना तो खुश रहोगे, मेरी ये बात आप मान लो। ये फुल ऑन रात हो चुकी है कैडी करके, मेरे ख्याल लगभग 2:30 बजे के आसपास अपना काम चालू हुआ था, टाइम देख लो 7:32 देख लो भाई, मतलब 8 बजे के आसपास तक ये काम सारा कंप्लीट होगा और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। भाई वीडियो तो देखो मैं अब इसलिए नहीं बना रहा, मेरी भी खुद की हालत ख़राब हो गई है, मेरा तो मन कर रहा है बस अब लेट जाऊँ, अब हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी खड़े होने की। पर कोई बात नहीं भाई, देखो काम करवा रहे हैं, बस लग गया कंप्रेसर यार, व्यू एकदम लो भाई। फाइनली यहाँ पे प्रेशर डाल के अपनी गाड़ी का चेक हो चुका है, गाड़ी में किसी तरीके की कोई लीकेज नहीं थी, पूरा 15-20 मिनट तक भैया लोगों ने लगा के रखा था, पीछे से की फिटमेंट जो है पूरी हो चुकी है भाई। अब अपनी गाड़ी की देख लो, बिल्कुल इस समय भैया भी लाइट वाइट लगा के एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं भाई, जितना हो सकता है भाई उन्होंने भी पूरी मेहनत करी है। ये कि इसका भाई टोपा सा होता है ज़रा सा ना, ये भी मैंने आज पहली बार ही देखा अपनी नैनो में, एक हल्का सा शटर यहाँ भी होता है, तो अब यहाँ से देख लो भाई इंजन की जो अपनी सील वील थी सब एकदम बढ़िया तरीके से लगी हुई है, जो इंजन की सील डलवाई थी बिल्कुल लीकेज ख़त्म हो गई थी, ये वाला हमने साफ़ नहीं करवाया था यार, मगर देख लो बाकी ये काला है भाई, ये बस समझना ये ऑयल आ रहा है,
ये टोपा ही काला है इसका, पर एकदम ओके है। देख लो भाई, कंप्रेसर भी फिट हो गया पूरा। देखते हैं भाई अब इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। हम तो चाहते ही हैं देखो भाई चल जाए बाकी किस। फाइनली यहाँ पे अब एसी की जो गैस है वो डलना चालू हो गई है। गाड़ी कर दी हमने स्टार्ट, चेकआउट कर लो अंदर, ठीक है। और आगे भैया ने लगा दिया है इसका सिलेंडर। ये देखो भाई सिलेंडर वाली गैस जलेगी अब अपनी गाड़ी में, आज बहुत होगी कॉइल वाली गैसें। लो भाई ये भैया ने कर दिया है यहाँ से रिलीज़। भाई देख लो अब एक बार आपको पीछे ले चलता हूँ, अब आज चेकआउट कर लो। वहाँ पीछे लगा हुआ है भाई अपना कंप्रेसर, कंप्रेसर तो नहीं दिखेगा बट अब फाइनली गैस का प्रोसेस चालू हो चुका है। इसके अंदर पीछे की सीटें भी फिट हो चुकी है। और भाई चेकआउट कर लो साइड में से सारा। आवाज़ की तो भाई देखो अब कोई ऐसी वो नहीं है, आवाज़ एकदम ओके रिपोर्ट है। और देख लो भाई एसी अंदर चल रहा है, और ब्लू लाइट जो होती है वो एसी की होती है जब अपनी गाड़ी का एसी चालू होता है। यहाँ से भाई फाइनली, तो भाई वैसे भी देखो अब इस गाड़ी में कुछ बचा तो था नहीं, हमने गाड़ी की पूरी सर्विसें करा दी, क्लच प्लेटें डलवा दी, डेंट पेंट करा डाली, मतलब दुनिया भर की जितनी चीज़ें थी ना सब करा डाली हमने इस गाड़ी में। आज ये आखिरी काम था इसका कंप्रेसर का जो लगा था, आज हमने वो भी करा डाला, तो सारा काम डन। तो लो भाई फाइनली भैया ने आगे कंडेंसर पे पानी मार दिया है इसके, तो देखो कंडेंसर में कड़ा करके प्रेशर मार दिया भैया ने। अभी गैस डल रही है, अभी डल रही है भाई गैस गाड़ी के अंदर। और भाई इस समय हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, मतलब ये समझ लो आप वीडियो बनाना भी भाई कोई आसान नहीं होता, और वो भी खड़े रह के पूरा टाइम। देख लो भाई, पर क्या है कि भाई देखो अपनी चीज़ होती है ना, प्यार से रखोगे प्यार से रहेंगी चीज़ें। तो अभी डल रही है गैस, देखते हैं क्या रहता है। तो भाई फाइनली देख लो 8:30-9 बजे के बाद कंडीशन ये है कि जो अपनी गाड़ी है भाई वो सही नहीं हुई है, ठीक है। और हमारी गाड़ी में अब क्या नया सीन हुआ है वो उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था। उन्होंने तो अब ये कह दिया कि भाई अब आप ले जाओ इसे बस, क्योंकि भाई मेहनत करते करते ना उनका भी दिमाग ख़राब हो गया, और अभी भी ये बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है भाई गाड़ी। मैं हकीकत बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा। एसी का गैस प्रेशर एकदम ठीक है, हर चीज़ ओके है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये चीज़ क्यों नहीं काम कर रही है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो अब हकीकत पता ही क्या है, बहुत ध्यान से भाई देखो ये चीज़ समझना। अब अगर ये मेरे से ये बात कहते हैं बाई चांस कि आपकी गाड़ी में तो ये पार्ट ख़राब है, तो भाई देखो पहली बात क्या आती है, इसका मतलब मेरी गाड़ी का कंप्रेसर जो था वो सही था, जिसको इन्होंने पूरा खोल खाल दिया, इसका मतलब हमारी गाड़ी का ना वो कंप्रेसर ठीक था। या फिर अब देखो इसका जो एसी है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं। तो भाई देखो अब ये नहीं पता अब इस गाड़ी में क्या दिक्कत आई है क्या नहीं आई है,